वेलकम बैक टू माई चैनल. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ न्यू वीडियो विद यू ऑल, दैट इज पालक पनीर. तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. तो फर्स्ट दिस इज अ पालक जो मैंने उबाल कर और इसको अब पीस दी है. एंड द सेकेंड दिस इज अ पनीर जो अभी हम लोग, ये आई थिंक 250 ग्राम है. एंड दिस इज टू मीडियम साइज टोमेटो विद जिंजर एंड हरी मिर्च के साथ मैंने इसको पीस के रखा है. और ये हमारे देसी मसाले हैं और ये है हमारा रिफाइंड ऑयल. अब इसमें हम कम से कम 2-3 टेबल स्पून्स रिफाइंड ऑयल डालेंगे. इसको थोड़ा गर्म होने देंगे. हमारा रिफाइंड ऑयल अब गर्म हो चुका है. अब हम इसमें अपनी टमाटर प्योरी और ये जो पेस्ट हमने बना कर रखा है वो हम इसमें डाल देंगे. हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब ये जो हमारे टमाटर है वो घी छोड़ चुके हैं तो हम इसमें अब मसाले अपने ऐड कर देंगे. आधा चम्मच हल्दी ले लेते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक, थोड़ा सा और नमक डाल देते हैं. ये पूरा सूख चुका था तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया. अब इसमें हम अपनी जो पालक हमने पीस के रखी थी वो ऐड कर देंगे. अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे को अच्छे से स्टर कर लेंगे. इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए हम धीमी आंच में थोड़ा थोड़ा ये पकता रहेगा. इसको पकते हुए 5-10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें अपना ये मैगी मसाला है जो मैं इसमें अब डालूंगी. मैगी मसाला है जो मैं इसमें डालने जा रही हूँ. और गाइस बिलीव मी, इसको डालते ही इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस फैल गई है. आप लोग भी प्लीज़ इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार अपने घर पे ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा. अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे अपने. पनीर में इसका पालक का पूरा फ्लेवर चला जाए तो इसके लिए मैं इसको 5 सेकंड के लिए इसमें थोड़ी देर होने दूंगी जिससे कि पनीर में भी पालक का फ्रेग्रेंस और सारा फ्लेवर आ सके. अब मैं साइड में इसका अलग से तड़के की तैयारी कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने मक्खन ले लिया है जो मैंने गैस पे रख दिया है. इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है और इससे जो है बहुत ही अच्छा रंग आता है. और अब मैं इसको अपने पालक में ऐड कर दूँगी.
इसको ऐड करने से पालक में बहुत ही अच्छा कलर और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। एंड जो भी इस वीडियो को अब तक देख रहा है तो उसका मतलब उसको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मैंने गैस ऑफ कर दी है और मेरा पालक पनीर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है और ये है इसकी फाइनल लुकिंग। और मैंने इसमें गार्निश कर दिया है फ्रेश क्रीम के साथ। और अगर आप लोगों के पास फ्रेश क्रीम नहीं अवेलेबल है तो आपको तब भी ये वैसे ही उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।